वी आर ऑडिबल वी आर विजिबल यस लाइव आ चुके हैं भाई लाइव आ चुके हैं हां जी हाँ जी हाँ जी कहाँ रह गए कहाँ रह गए सब बच्चे यप yep. चलो दिख रही हूं मैं तुम्हें कैन कैन यू सी मी यू सीमी मी हाँ जी यस yes. ओके okay. चलो ओके okay, लेट्स गेट स्टार्ट प्रणाम 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 बाकी बच्चे कहाँ रह गए बाकी बच्चे कहाँ रह गए कहाँ रह गए अपनी जनता एनीवे वे तो लेट्स गेट स्टार्ट विद मॉलिक्यूल्स में आज हम क्या करेंगे देखो हम धीरे धीरे करके हाई वेटेज चैप्टर ख़त्म करते जा रहे हैं मैंने आपको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करा दिया है मैंने आपको मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करा दिया है बायोटेक्नोलॉजी पूरी यूनिट हम खत्म कर चुके हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हमने कर लिया है वे आर ऑल्सो डन विद रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एंड अब हम बायो मॉलिक्यूल्स भी खत्म करने वाले हैं बस दो सेशन और लगेंगे और बायो मॉलिक्यूल्स भी डन एंड डस्टेड हो जाएगा सो वी आर मूविंग एट अ वेरी गुड पेस बहुत अच्छी पेस पे हम मूव कर रहे हैं आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहे हैं और देखो देर देर इज अ सुपर 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 सरप्राइज आप बहुत अच्छा सरप्राइज मैंने रखा हुआ है जो कि तुम्हें कल पता चलेगा विच इज गोइंग टू कवर योर प्रैक्टिस सेशन और बहुत ही अमेजिंग तरीके से तुम्हारी प्रैक्टिस होने वाली है वो कल पता चलेगा वो कल पता चलेगा अब कहा रह गए आज सब कहाँ रह गए बंद करवा देती हूँ रिकॉर्डेड डाल देती हूँ सेशन है ना वही चलेगा वही चलेगा हाँ <laughs> चलो नहीं, नहीं 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 हाँ हाँ चलो ठीक है शुरुआत करते हैं विद बायो मॉलिक्यूल्स आज हम क्या कवर करेंगे आज हम कवर करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स और एनसीआरटी सबके पास है देखो मेरी एनसीआरटी तो बिल्कुल एकदम कार्बोहाइड्रेट्स पे ही खुली हुई है देख रहे हो तुम एकदम सही जगह पे सही पेज निकला हुआ है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेक्राइड्स भी पढ़ेंगे इसमें मोनो मोनोसेक्राइड भी पढ़ेंगे ओलिगोसेराइड्स भी पढ़ेंगे हम सिर्फ ये नहीं करेंगे हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं सिर्फ पॉलिसक्राइड नहीं पढ़ेंगे विल ऑल्सो टॉक अबाउट ऑलिगोसेइड मोनोसेक्राइड सब कुछ पढ़ने वाले हैं ठीक yes, okay. तो है यस ओके तो सबके पास एनसीआरटी है यू ऑल हैव है ठीक है और आज हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स प्लस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी करेंगे कल हम न्यूक्लिक एसिड कर लेंगे एंड मेटाबॉलिज्म वाला जो पार्ट है वो करेंगे परसों हम लोग बच्चे इस चैप्टर का द एंड कर देंगे विद एनजाइन क्योंकि हर एक चीज को बहुत डिटेल में करना है इसलिए क्या टाइम तो लगता है ना अगर चीज को वो होता है ना कि दाल बनानी है पका पका के बनाओगे तो अच्छी बनेगी है ना अगर सिर्फ एक एक ही सिटी में बना लोगे तो कुछ नहीं होगा कुकर पे रखी बस एक विसल दी तो कुछ नहीं होने वाला अच्छी नहीं बनेगी तो जैसे जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे आप इनिशियली उतना ही अच्छे कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठने वाले हैं अदरवाइज बायो मॉलिक्यूल मैंने बीस मिनट का सेशन भी लिया हुआ है इसी चैनल पर वो भी देख सकते हो तुम बीस मिनट में एकदम बिंदास रिविजन करवाया हुआ है लेकिन वो लास्ट के लिए गए ठीक है जब दस दिन रह जाते हैं जब बीस दिन रह जाते हैं वो तब के लिए अभी तो बिल्कुल डिटेल में ही करना पड़ेगा है ना हाँ यस yes, चलो यार ये कहाँ रह गए बच्चे really मुझे आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वॉट इज हैपनिंग मुझे सच में मैं मैं रिकॉर्डेड डालना शुरू कर दूंगी फिर आई डू दिस वन थिंग वट इज द वट इज द यूज ऑफ मी बींग कंसिस्टेंट मेरे कंसिस्टेंट होने का क्या फायदा अगर आप लोग ही नहीं आने वाले अगर आप लोग ही नहीं आने वाले बच्चे मैं रिकॉर्डेड डालना शुरू कर दूंगी एंड आई एम सीरियस अबाउट इट आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट ओके एक बड़ा मेजर तुम्हारे लिए सरप्राइज है वो क्या है वो ये है कि अन अकेडमी में मेगा सेल एक डिस्काउंट आ गया है जिसमें आपको पंद्रह प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिलेगा कब जब आप कोड लगाएंगे गार्गी ठीक है जी ये बच्चे आपको गार्गी कोड पे फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिलेगा ऑन एनी नीट यू जी सब्सक्रिप्शन कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो लेकिन देखो आपका क्या आपका क्या कोई भी चीज़ जीवन में तुम कुछ भी काम कर रहे हो लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो आपको किसी के गाइडेंस का ज़रूरत होता है आपको एक प्रॉपर यू नो वो माहौल चाहिए होता है एक प्रॉपर प्रेपरेशन के लिए you know, एक यू नो एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पे ना तो कोई डिस्ट्रैक्शन हो जहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपकी डाउट सॉल्विंग हो जहाँ पे टेस्ट सीरीज आपकी प्रॉपर चलती रहे जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे तो अभी भी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं गया है तुम्हारे हाथ से अभी भी आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर आके पढ़ सकते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं और अभी तो देखो इतना बढ़िया तुम्हारा ऑफर चल रहा है एंड यू ऑल्सो गेट नीट यू जी एश्योर जिसमें आपको अन uh, एकेडमी की तरफ से एश्योरेंस मिलता है कि अगर आपका पहला अटेम्प ठीक नहीं गया सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरा अटेम्प दूसरे साल की तैयारी आपको अनअकेडमी की तरफ से मिलेगी और ये सिर्फ और सिर्फ पच्चीस तक वैलिड है आपको पता ही है ऑलरेडी हमारे जो बैचेस चल रहे हैं कामयाबी प्रो बैच चल रहा है फॉर चौबीस लक्ष्य रिलोडेड चल रहा है फॉर पच्चीस है ना एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप आइकॉनिक या प्लस लीजिएगा क्योंकि उसमें आपको सारे बेनिफिट मिलते हैं ओनली में अगर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है तो ठीक है लेकिन बच्चे उसमें आपको सारे बेनिफिट नहीं मिल पाते ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपका आ चुका है ऑफलाइन मोड भी ले सकते हैं आप ऑनलाइन मोड भी ले सकते हैं इधर भी सीट्स लिमिटेड है तो जल्दी से एनरोल करा लो एंड बच्चे आपके पास फिजिकल नोट्स अगर आपको ऑन अकेडमी के चाहिए देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को ऑफलाइन पढ़ना है मैम और मुझे डेमो क्लासेस दे दीजिए देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट ठीक है जी चलो तो अपन शुरू करेंगे अपना कहानी कौन सी कहानी शुगर की मीठे की है ना मीठा सबको अच्छा लगता है सबको मीठा अच्छा लगता है है ना जी यस yes. किस किस को मीठा अच्छा लगता है किस किस को डिजर्ट अच्छा लगता है सबको अच्छा लगता होगा तो जो मीठा होता है जो डिजर्ट होता है अच्छा नॉर्मली वी एसोसिएट कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगर्स विद मीठा है ना लेकिन यार आपके खाने में जनरली जो रोटी आप खा रहे हैं उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं है ना जो फ्रूट्स आप खा रहे हैं उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो हर एक फूड में मिल ही जाता है किसी में कम होता है किसी में ज्यादा होता है तो जरूरी नहीं है कि वो मीठा ही हो क्या हर एक कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है नहीं बिल्कुल नहीं होता लेकिन जनरली हम एसोसिएट किसके साथ करते हैं मीठे के साथ एसोसिएट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स को तो आज हम बात करेंगे इन्हीं इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स की या फिर बच्चे जिनको प्यार से हम क्या बोल देते हैं मीठा या फिर शुगर की तो एक बात याद रखनी है कि जनरली वी एसोसिएट मीठी चीजों को एसोसिएट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ऑल दो ऐसा दिस इज नॉट ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स आपके मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेज में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं फ्रूट हो वेजिटेबल हो आटा हो कुछ भी हो कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है ना किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा एनी anyway, वे आज हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगर कितने तरह के होते हैं तो ये होते हैं तीन तरह के ठीक है जनरली बोले तो तीन तरह के होते हैं आपकी किताब में ना जो क्लासिफिकेशन ही नहीं करा ठीक से तो हम ठीक से क्लासिफिकेशन करके बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएंगे प्रॉपर तरीके से इसको समझेंगे तो so, सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने तरह के होते हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप्स तीन तरह के होते हैं कौन से तीन तरह हैं नंबर वन मोनोसेखराइड्स मोनोसेखराइड्स ऐसे ही ओलिगोसेराइज होंगे ऐसे ही पॉलीसेज होंगे पर पहले समझ तो लो वॉट इज अ मोनोसेखराइड यार देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं शुगर की तो यहाँ पे ना आपको दो तरह की शुगर दी हुई है इसको हम ड्रॉ करेंगे अपनी किताबों में अपनी नोटबुक में लिखे जाएंगे हमें से यहाँ पे ग्लूकोज दिया हुआ है जिसके पास छः कार्बन है यहाँ पे राइबोस दिया हुआ है जिसके पास पाँच कार्बन है ये क्या है ये शुगर है ये शुगर का कितना मॉलिक्यूल है एक ये कितना है एक यार जब आपके पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल है किसी भी किसी भी शुगर का मतलब एक यूनिट है नॉट जस्ट मॉलिक्यूल यू हैव ओनली वन यूनिट एक ही ग्लूकोज है एक ही राइबोज है एक ही फ्रक्टोज है तो उसको हम क्या बोलते हैं मोनोसेखेराइड बोलते हैं दैट इज नोन एज मोनोसेखेराइड ठीक है ये सिंगल यूनिट आ गया तो मोनोसेखराइड उसको बोल देंगे यस फेन फटाफट से लाइक like कौन करेगा सेशन को पूरे जोश के साथ सेशन को लाइक like कर दे बिल्कुल हां जी ठीक <coughs> है जी बिल्कुल लाइक कर दिया जाए सेशन को एकदम फटाफट मस्त झकास तरीके से या झकास तरीके से तो बच्चे जब आपके पास मान लो सिर्फ एक राइबोज है मेरे पास तो मैं इसको मोनोसेकराइड बोलूंगी सिर्फ एक ग्लूकोज है मेरे पास तो मैं इसको बोलूंगी अगर ऐसा हो जाए कि ग्लूकोज ग्लूकोज चेन बना ले ग्लूकोज चेन बना ले तो मैं उसको बोलूंगी ऑलिगोसेराइड या फिर पॉलीसेक्राइड आई टेल यू की ओलीगोसेक्राइड के लिए क्या होता है कितने यूनिट्स होने चाहिए या पॉलीसेकराइड के लिए कितने यूनिट्स होने चाहिए लेकिन अभी यार सिर्फ मोनो की बात कर ले पहले सिर्फ मोनो की बात कर लेते हैं हाँ आ जाओ सो so, मोनोसेक्राइड में वी विल हैव हाउ मेनी ये है आपका यूल हैव वन मोनोमर मतलब एक यूनिट आपके पास होगी वन मोनोमर बोले तो वन यूनिट एक ही यूनिट होगी मतलब या तो एक ग्लूकोज होगा या तो एक फ्रक्टोज होगा या तो एक राइबोज होगा अब इसके एग्जाम्पल क्या है वॉट आर द एग्जाम्पल्स हम सारे एग्जाम्पल देखेंगे और यहां स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे और फिर उनकी बॉन्ड भी बनाएंगे कि उन वो जुड़ के कैसे बना सकते हैं या पॉलीसेक्राइड कैसे बना सकते हैं एनसीआर भी पढ़ेंगे रे बाबा बिल्कुल बिल्कुल <coughs> <coughs> राइबोस विच इज अ फाइव कार्बन शुगर इसको तुम क्या बोल सकते हो पेंटोज बोल सकते हो बच्चे दिस कैन ऑसो बी कॉल्ड पेंटोज छह कार्बन के जो शुगर है उनके एग्जाम्पल्स भी लिख लो छह कार्बन में आपका आ जाता है ग्लूकोज सिक्स कार्बन का है फ्रक्टोज गैलेक्टोज दे आर ऑल all... फ्रक्टोज गैलेक्टोज दे आर ऑल सिक्स कार्बन तो इनको हम क्या बोलते हैं हेग्जोज बोलते हैं दे आर नोन एज हेग्जोज शुगर ये होगी आपकी हेग्जोज शुगर इतनी बात सबको समझ में आई तो पांच कार्बन वाला पेंटोज बोल दिया छह कार्बन वाले को हेक्सोज बोल दिया इसका एक और नाम है वो मैं बताऊंगी जब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर तो अभी मोनोसेक्राइड की बात करते हैं की ही बात करते हैं बात करते बच्चे नाउ वी विल मेक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड पहले राइबोस का बना लेते हैं फिर ग्लूकोज का बना लेंगे आ जाओ यार सर्वाइकल वापस आ चुका है मैम का तुमारे, तुमारे लिए दुख बहुत झेलने पड़ रहे हैं ठीक है पता नहीं तुम याद रखोगे या नहीं रखोगे जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा जब तुम चले जाओगे किसी बढ़िया से मेडिकल कॉलेज में कि तुम्हारे गार्गी मैम ने दिक्कतें बहुत झेली थी तुम्हारे लिए है ना बच्चे आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स दिक्कतें झेलते हैं आपके लिए ये हो गया तुम्हारा क्या है कितने कार्बन है यहाँ पे ज़रा देखो वन टू थ्री फोर फाइव और बच्चे हमें नंबरिंग पता होनी चाहिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी बार बार बोलती रहती हूं कि नंबरिंग इज एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट यस चलो वन टू थ्री फोर एंड फाइव पांच हो गए पांच हो गए ये क्या है राइबोज है ये क्या है राइबोज शुगर है बच्चे ये ठीक है जी अब इसका हम फॉर्मूला भी लिख लेंगे एंड देन आई ऑल्सो टेल यू वन मोर नेम जो हम इनको बुलाते हैं जो पांच मेंबर रिंग होती है ना उनको हम और क्या बोलते हैं उनको हम फ्यूरते हैं so क्या है? C5H10, C5H10O5, और इनको हम क्या बोल देते हैं पांच मेंबर ड्रिंग को दे आर ऑल्सो नोन एज फ्यूर ये बच्चे वेरी गुड वेरी गुड दे आर ऑल्सो नोन मेंबर्ड रिंग है ये इनको हम क्या बोलते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज फ्यू रेनोजिस या आप इसको फ्यूरेंस भी बोल सकते फ्यूरेनोजेस भी बोल सकते हो दिस इज अबाउट द राइबोस ये हो गया आपका राइबोस शुगर थोड़ा सा इसको हम छोटू कर देते हैं ठीक है ये बच्चे आपका राइबोज हो गया एंड सिमिलरली वी आर गोइंग टू ड्रॉ ग्लूकोज ऑल्सो ये दोनों स्ट्रक्चर आपकी किताब में होने चाहिए लिखे होने चाहिए तुम्हारी नोटबुक के अंदर चलो आप ग्लूकोज बना लें दिस इज ड्रिंग सिक्स मेंबर सिक्स मेंबर ड्रिंग को क्या बोलते हैं वो भी अपन लिखेंगे प्यार प्यार से चैप्टर को खत्म करेंगे बच्चे जल, जल्द जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है. जितनी जल्दी आप मचाएंगे उतना ही ज्यादा आप भूलते जाएंगे चीजों को तो आराम आराम से हर एक चीज को करना है अभी हमने काफी मेजर चैप्टर्स हम खत्म कर चुके हैं तो आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं सी एच टू ओ एच ठीक है तो ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच कितने कार्बन का रिंग हुआ ये कितने कार्बन का रिंग हुआ <laughs> बताओ दिस इज सिक्स मेंबर रिंग टलीसली दिस इज ग्लूकोज इसका भी हम नंबरिंग करेंगे दिस इज बच्चे और ग्लूकोज तुम्हारा फेवरेट सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स है ना तुम्हारा फेवरेट हर बच्चे को चीनी 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 चाहिए 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 सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लीज नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आगे मैं बॉन्ड फॉर्मेशन करवाने वाली हूं कि कहां पे वन और फोर ज्वाइन होते हैं और कहां पे छ और चार या एक और छ ज्वाइन होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ओके okay? चलो आ जाओ तो इनको क्या बोलते हैं सिक्स मेंबर्ड रिंग को क्या बोला जाता है सिक्स मेंबर्ड रिंग्स को क्या बोला जाता है इसको बोला था हमने फ्यूरेनोजिस पायरे ओके इतनी बात क्या सब बच्चों को समझ में आई अब हम इनके बॉन्ड बनाने वाले हैं वी आर गोइंग टू लर्न हाउ एक जो मोनोमर है या एक जो ग्लूकोज है उसको जोड़ के मैं कैसे पॉलीसेकेराइड बना सकती हूं क्या यह बात सबको समझ में आई फटाफट से बताइए बच्चे बोलो 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 क्या ये सबको समझ में आया दो दिन से मैम केमिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं अच्छा ठीक है केमिस्ट्री भी तो पढ़नी पड़ेगी ना फिर क्या करें हम बायो में केमिस्ट्री तो है ही बच्चे योर ऑल द रिएक्शंस विच आर गोइंग ऑन इन योर बॉडी देयर व्हाट केमिस्ट्री ओनली ना इसीलिए तुम बोलते हो फिर तुम रोने लग जाते हो कि हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़नी पड़ रही है मैम बताइए हमें फिजिक्स क्यों पढ़नी पड़ रही है एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट एवरीथिंग इज रिलेटेड तुम्हारी बॉडी में तो सारी की सारी रिएक्शंस क्या है केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी और फिजिक्स फिजिक्स यार अब तुम्हें फंक्शनिंग करनी है तुम्हारी जो ये हार्ट की फंक्शनिंग तुम करते हो बिना फिजिक्स के पढ़ सकते हो क्या न्यूरॉन्स बिना फिजिक्स के पढ़ सकते हो क्या आंखों का फंक्शन बिना फिजिक्स के पढ़ सकते हो जब डॉक्टर बन जाओगे तब वो इक्विपमेंट चलाओगे इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट इतने महंगे महंगे बिना फिजिक्स के पता चलेगा क्या नहीं चलेगा तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है ना यस डन डन सबने बस ओके लेट्स सी देखते हैं ये चलेगी या नहीं चलेगी क्योंकि मैं ऑलरेडी ना दो पेंसिल खराब कर चुकी हूँ ऐसे ही गिरा के चल पड़ी है तो <coughs> बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया है चल अच्छी बात है है ना अच्छी ही अच्छी ही बात है आ जाओ अब हम बनाएंगे बॉन्ड्स राइट right? तो मैं क्या करूंगी यहां से मैंने उठाया ये ग्लूकोज और अब ना वही बात जो तुम बोलते हो मैम मैम चिटिंग्स 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 आपने तो ये कॉपी पेस्ट कर लिया मैम चिटिंग्स तो रोने का नहीं है ठीक है समझने का है मैंने क्या करा बच्चे मेरे पास दो ग्लूकोज की यूनिट्स आ चुकी हैं अब मैंने जोड़ने वाली क्योंकि क्या है ना कि नेचर में ग्लूकोज अकेला भी नहीं घूमेगा जरूरी नहीं है वो बॉन्ड भी बना सकता है वो हाईली रिएक्टिव होता है बहुत ज्यादा चंचल होता है ग्लूकोज तो अगर ये बॉन्ड बनाएगा ये दो ग्लूकोज की यूनिट्स है मेरे सामने ठीक है और मैंने नंबरिंग इसीलिए करी थी ताकि आपको पता रहे कि जो बॉन्ड्स बनेंगे अब कौन से बॉन्ड्स बनेंगे विल सी जो बॉन्ड्स बनेंगे <laughs> हाँ जो बॉन्ड्स बनेंगे वो किस कार्बन के बीच में बनेंगे बच्चे राइट तो यू कैन वेरी वेल सी दैट दिस वन एंड एक बात बताऊ बच्चे देखो सिंपल सी बात है ये जो तुम्हारा पहला ये नंबर वन वाला कार्बन है कार्बोनाइल ग्रुप है ना है ना तो केमिस्ट्री तो, तो तुम्हें मेरे से ज्यादा अच्छे से आती है है ना मैम चिटिंग्स चिटिंग्स हो गए तुम शुरू एक मिनट यार बड़ी गर्मी हो चुकी है यहाँ पे चलो तो यही तो है विच कैन रिएक्ट विद दिस याद रखना ये क्योंकि मैं एंड्स बताने वाली हूँ रिड्यूसिंग एंड्स कौन से होते हैं एंड नॉन रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग एंड्स कौन से होते हैं बच्चे यही तो हो सकता है आपका रिड्यूसिंग एंड ये नहीं हो सकता दिस कैन नॉट बी इतनी केमिस्ट्री आपको आती है मेरे से ज्यादा तो आती है आपको केमिस्ट्री <coughs> अब देखो क्या होगा नाउ ये जो ओ एच ओ एच दिख रहे हैं ना तुम्हें यहाँ पे इसमें से बच्चे हम पानी निकाल लेंगे ठीक है हम क्या करेंगे पानी खींच लेंगे इसमें से चलो खींच लेते हैं पानी पानी खींचा जाए ये लो ऐसे ही बना देती हूं ना ओके वॉटर इज गोइंग टू मूव आउट एंड देयर इज गोइंग टू बी अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विच इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या बोला जाता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसको बोला जाता है तो अपन यहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने वाले हैं ये दोनों यूनिट्स को मैंने उठाया और यहां पे डाल दिया लेकिन अब मैं इसको एक डिफरेंट चीज करने वाली हूं यहां पे We are going to erase this बच्चा लोग और मैं अब यहां पर बॉन्ड बनाने वाली हूं कौन सा क्या बोलते हैं उस बॉन्ड को दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइको सिडिक बॉन्ड तो यहां तो सिर्फ ओ ही रह गया ना क्योंकि एच टू ओ तो बाहर निकाल दिया था तुमने तो यहां सिर्फ ओ रह गया एंड दिस बॉन्ड ये जो बच्चे दोनों तरफ बन रहा है ना आपके इस इज नोन एज द ग्लाइको सिडिक बॉन्ड इसको क्या बोला जाता है ये बॉन्ड ही है तुम्हारा ग्लाइको सिडिक बॉन्ड प्लीज रिमेंबर दिस हमने प्रोटीन्स के केस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था और अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के केस में क्या बना रहे हैं वी आर मेकिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्वेश्चन आएगा एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है कि कौन सा कहां पे क्या बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड कहां बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां बनता है न्यूक्लिक एसिड में कौन से बॉन्ड्स बनते हैं वहां पे दो तरह के बॉन्ड्स देखोगे दो नहीं तीन तरह के बॉन्ड्स देखने वाले हो पे तो पे लेकिन यहां बच्चे क्या होगा यहाँ पे यू विल सी दैट दन योर शुगर वन यूनिट ऑफ अ शुगर और कार्बोहाइड्रेट इज टू द नदर वन विद द हेल्प ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लेकिन ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के बीच में है फटाफट से बताइए वेरी गुड हरक्यूलिस यस ये है एक और चार के बीच में मैं बार बार नंबर पे क्यों इतना प्रेशर दे रही हूं बिकॉज यू आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट जस्ट लुक एट दिस पहले से ही सब कुछ मेरे मेरे जो एनसीआरटी होती है ना उसमें मैंने हाईलाइट करी होती है चीजें ये देखो आपको बच्चे ब्रांचिंग भी मिलेगी इन केस ऑफ ग्लाइकोजन यू विल सी ब्रांचिंग ये नॉर्मल अल्फा वन फोर वन फोर वन फोर तो चल ही रहा है अब तुम देखो कि वन सिक्स भी आ जाता है कैसे आएगा विल लर्न विल लर्न तो इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूं कि आपको नंबरिंग पता हो तो यहां पे क्या है कौन सा बॉन्ड है बच्चे वन फोर वन फोर वन फोर चल रहा है नॉर्मल केस में अगर कोई चीज ब्रांच नहीं है सीधी 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 चेन बन रही है तो वन फोर वन फोर वन फोर लेकिन अगर ब्रांच हो जाता है ना तो देखो कहां से बनता है यहां से बॉन्ड बनता है फिर एक और छह के बीच में बनता है वो मैं तुम्हें बताऊंगी अभी घबराने की जरूरत नहीं है तो अभी के लिए हमने बना लिया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों बनाया क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं ऑलिगो ठीक है आगे हम पढ़ेंगे बच्चे ऑलिगो चलो अब हम बात, बात करेंगे ओलिगो सेखराइड्स की दूसरे नंबर पे आ गए आपके ओलिगो से ठीक है ओलिगो का मतलब होता है फ्यू कुछ और सेखराइड तुम्हें पता है क्या थे सेखराइट थे तुम्हारे यूनिट्स किसके यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट तो मतलब अगर मैं ग्लूकोज के कितने यूनिट्स लगाऊं दो तो लगाने ही पड़ेंगे दो से दस यूनिट्स अगर मैं लगा दूं ग्लूकोज के तो जो भी चीज बनेगी उसको मैं बोलूंगी बोलूंगी क्या बोलूंगी, बोलूंगी। तो कैन आई राइट इट हियर दैट वी हैव टू टू टेन हियर दो से दस मोनोमर अगर है बच्चे तो मैं उसको ऑलिगोसे बोलूंगी एग्जाम्पल मैं लिखवा रही हूं तुम्हें फॉर एग्जाम्पल लेक्टोज ठीक है मैं आपको वो एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ जो आपके एन में जिनका रेफरेंस दिया जाएगा बाकी सबको करने की तुम्हारी जरूरत नहीं है ये जरूर कर लेना आई नो दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा एनसीआर टी में ऑलिगोसेक्राइड नहीं लिखा है लेकिन बच्चे लेक्टोज तुम पढ़ोगे लेक्टोज तुम पढ़ते हो इन मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में सुक्रोज आपको पता ही होना चाहिए सुक्रोज भी तुम पढ़ते हो यार प्लांट वाले चैप्टर्स में जो जब आप पढ़ेंगे ये फोटोसिंथेसिस वगैरह में पढ़ते हैं आप ट्रांसपोर्ट में पढ़ते हैं तो वहां आपको पता होना चाहिए सुक्रोज टूटता है है तो क्या बनाता माल्टोज आपको पता होना चाहिए तो ये सारे मैं लिख रही ग्लूकोज uh, uh, प्लस गैलेक्टोज ये दोनों मिला के बनाएंगे आपके लेक्टोज को सुक्रोज किससे बनाए बच्चे सुक्रोज किससे बनाए सुक्रोज बनाए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से प्लीज राइट इट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट ये तो बहुत जरूरी है भाई ये तुम्हारे रेस्पिरेशन के लिए भी बहुत जरूरी है उसमें भी आता है ग्लूकोज क्या कहते हैं सुक्रोज टूट जाता है ग्लूकोज एंड फ्रकटोज में वेरी इंपॉर्टेंट ओके एंड देन लास्ट वन इज माल्टोज माल्टोज भी लिखिएगा माल्टोज अगर टूटेगा या फिर माल्टोज किससे बनता है या फिर अगर मैंने माल्टोज को तोड़ दिया तो मेरे पास कौन सी शुगर बनेगी ग्लूकोज तो बनेगा ही बनेगा और क्या बनेगा ग्लूकोज ही बनेगा तो यहाँ क्या आ जाता है बच्चे गुल्लू गुल्लू यहाँ जाता है ठीक है गुल्लू एंड गैल गडोट इधर आ जाती हैं एंड सुक्रोज में ग्लू एंड फ्रक्टोज आ जाता है क्या ये सबको याद हो जाएगा बोलो क्या ये सबको याद हो जाएगा हां जी अच्छा ये हो गया आपका ओलीगोसेराइड नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज पॉलीसेराइड बहुत जरूरी है पॉलीसेक्राइड क्योंकि पॉलीसेक्राइड का पूरा एक अपने को पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ में एक एक चीज इंपॉर्टेंट है लेकिन यार इस पैराग्राफ को ऐसे पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा तो क्या करना है माइंड में आप किसके ब्रो के ठीक है ठीक है चलो यस यस तो वी विल मूव ऑन एंड वी विल टॉक अबाउट पॉलीसे नाउ आ जाओ भाई आ जाइएगा तीसरा क्या है बच्चे पॉली सेखराइड्स पॉलीसेड्स बोले तो यहां पे आपके पास मोर देन टेन यूनिट्स आ जाएंगी ठीक है सो मोर देन टेन यूनिट्स आ गए आपके पॉली सेक्राइड तरह तरह के होते हैं पॉलीसेक्राइड्स को डिवाइड कर देंगे पॉलीसेक्राइड्स टाइप्स लिखो यहां पे टाइप्स टाइप्स ठीक है टाइप्स ऑन द बेसिस की क्या जो यूनिट रिपीट हो रही है वो सेम है मतलब ग्लूकोज 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 हो रहा है या फिर जो यूनिट रिपीट हो रही है वो अलग अलग है तो दो तरह के होंगे एक होगा होमो पॉलीसेकेराइड और एक हेट्रो तो हम पहले होमो देख लेते हैं देन वी विल टॉक अबाउट हेट्रो फिर उसके बाद बच्चे हम हेट्रो की बात करेंगे पहले होमो देख लो पॉलीसेकेराइड, मेड ऑफ सेम मोनोमर सेम मोनोमर है मतलब ग्लूकोज 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 में फ्रक्टोज़ नहीं आएगा ठीक है बीच में फ्रक्टोज नहीं, नहीं आएगा तो ग्लुकोस, 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 ग्लुकोस चल रहा है। अब इसके देखो क्या क्या कर सकती हूँ स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं किसको रख सकती हूँ बच्चे कौन सा ऐसा बताओ मुझे फटाफट से बताओ यस यस वेरी गुड वेरी गुड केशव वेरी गुड पैंडा अरे वाह क्या बात है पेंडा पैंडा इज वेरी मतलब जो एनिमल होता है वो के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती है ना हाँ <laughs> अभी अंकिता एंड शिवम तुम्हारी पिटाई कर दूं मैं स्टार्च मैंने यहां पे लिखा है इधर ओलीगो में तो ये यह यहां कैसे आ जाएगा पॉलीसेक्राइड में कैसे आ जाएगा बच्चे स्टार्च ओहो ओ आई एम सो सॉरी आई एम वेरी सॉरी तुमने स्टार्च लिखा मेरे दिमाग में सुक्रोज चला गया आई एम वेरी सॉरी बच्चों आई एम वेरी सॉरी ने ने नहीं नहीं मैं थप्पड़ नहीं मारूंगी वापस वापस नहीं 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 वेरी गुड स्टूडेंट आई टेक इट बैक आई टेक इट बैक एक्चुअली आज मेरे को ना यहाँ बहुत दर्द हो रही है और ये अभी ना दो तीन घंटे पहले ही अचानक से शुरू हो गई काफ़ी दर्द हो रही है तो आई वो आई मीन अ लॉर्ड ऑफ पेन टूडे उस चक्कर में तुम्हें डांट दिया आ, <laughs> <laughs> कोई बात नहीं मैंने सोचा तुम सुक्रोज बोल रहे हो चलो यू यू आर राइट यू आर राइट तो दो तरह के हम ये पढ़ने वाले हैं वन बच्चे मैं लिखूंगी स्ट्रक्चरल एक मैं लिखूंगी फंक्शनल ठीक है एक मैं लिखूंगी स्टोरेज स्टोरेज तो फंक्शन के बेसिस पे मैं क्या कर दूंगी नंबर वन स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल वो होगा जो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा जैसे कि सेल्यूलोज जैसे कि बच्चे क्या सेलुलोज फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज किससे बनाएंगे

किस, इसकी यु, रिपीटिंग यूनिट्स क्या है बच्चे नाग 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 अब नाग क्या है वो मैं बताऊंगी रुक जाओ बस दो मिनट दे दो मुझे जस्ट टू मिनट्स सो so, काइटिन है अब काइटिन आपको कहां मिलता है काइटिन आपको मिलता है एग्जोस्कैलिटन जब कॉकरोच पढ़ेंगे ना हम तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि काइटिन मतलब एक्सोस्केलेटन किस चीज़ से बना होता है काइटिन का क्या फ़ायदा रहता है उसको तो डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल एक्सोस्केलेटन ऑफ योर आर्थ्रोपोड्स ठीक है आर्थ्रोपोड्स अब मैं बता देती हूँ आपको नाग क्या होता है व्हाट इज नाग नाग इज अ बच्चे कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन यहीं लिख लो नाग को नाग क्या होता है इट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एन Acetyl, होता है तुम्हारा नाग एन वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मिलता है, मुझे? बैक्टीरिया के सेल में भी मिलता है तो ये यहां पर भी है also, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये ठीक है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन इज वेरी इंपोर्टेंट क्योंकि अभी तुम नाग पढ़ रहे हो तुम फिर थोड़ी देर में नाम भी पढ़ोगे नाम भी पढ़ने वाले हो यस yes, नाग बना दिए कासिम ने तो बिल्कुल नाग बना दिए हां अरे वाह क्या बात है रचित क्या बात है वेरी गुड गुड जॉब हाई फाइव हाई फाइव हो जाए यस yes, क्या बात है क्या बात है ऐसे ही सारे एग्जाम फोड़ो डालो बस मजा आएगा मजा आएगा तो ये तो स्ट्रक्चरल हो गया अब बच्चे फंक्शनल की भी बात कर ले आ जाओ अब फंक्शनल भी लिखते हैं क्या मैं इसको थोड़ा सा थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकती हूँ सो दैट वी हैव ऑल द ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ऑन द सेम पेज कर दो बच्चों मिनिमाइज कर दो थैंक्स थैंक्स चलो अब दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे अबाउट द फंक्शनल फंक्शनल पॉलीसेकेराइड ठीक है चलो अब फंक्शनल पॉलीसेकेराइड poly, में में कौन से आ जाते हैं तुम सही बोल रहे थे स्टोरेज के लिए कौन से आ जाते हैं स्टोरेज के लिए कौन से आ जाते हैं यस ग्लाइकोजन आ जाएगा स्टार्च आ जाएगा इन्यूलिन आ जाता है तो विल राइट ग्लाइकोजन किससे है बच्चे ग्लूकोज से है स्टार्च किससे बना है बच्चे ग्लूकोज से बना है इन्युल इन्युल ना अच्छा चलो स्टार्च आपको प्लांट में मिलता है ग्लाइकोजन आपको एनिमल में मिलता है इनुलिन आपको इन सम प्लांट्स मिलेगा ठीक है एंड इट इज मेड अप ऑफ फ्राक्टोज तो यहां पे एक लाइन जरूर लिखेंगे इधर मोस्टली इन प्लांट्स ये कहां मिलेगा बच्चे मोस्टली इन प्लांट्स मिलेगा सो दिस लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है यस yes. तो सब कुछ मैंने यहीं पे कंसाइज वे में आपको लिखवा दिया है किताब में ना बहुत ही हौच पौच करके बिखरा हुआ है सब कुछ इसको पढ़ोगे ना नहीं समझ में आने वाला पहले ये पढ़ना है पॉलीमर्स पढ़ने सॉरी पढ़ने से पहले ये पढ़ना है कि पॉलीसेखराइड को हम दो में डिवाइड करते हैं होमो हेटरो होमो में सेम आ जाएंगे जिनकी यूनिट सेम रिपीट हो रही है तो स्ट्रक्चरल में आ गया आपका सेल्यूलोस जो कि प्लांट्स में सेल वॉल बनाता है काइटिन जो कि में इंसेक्ट्स में एक्सोस्केलेटन बनाता है विच इज मेड अप ऑफ अ रिपीटिंग यूनिट जिसको हम क्या बोलते हैं नाग तो बार बार क्या होता है नाग नाग, नाग 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 रिपीट हो रहा है अब ये नाग वो वाला नाग नहीं है ठीक है नागिन डांस मत करने लग जाना यहाँ पे फंक्शनल में स्टोर कर रहे हो स्टोर के बेसिस पे मैंने इसका फंक्शन लिख दिया है तो ग्लाइकोजन ग्लाइक्रोजन इन्यूलिन स्टार्च आपको प्लांट्स में मिलेगा ग्लाइकोजन आपको मोस्टली कहाँ मिलता है एनिमल्स में मिलता है ओके अनिकेत आ बातें कर है अच्छी अच्छी पढ़ाई भी कर ले कैन वी मूव ऑन टू हेटरोपोलीमर अब बच्चे आ जाओ हेटे पॉलीमर पे ठीक है अब आ जाओ तुम हेटरो पॉलीमर अच्छा हेटरो पॉलीमर लिख दिया है हेटेपोली सेक्राइड लिखो हेटरोपोली से इधर आ जाओ ये कैसे यहां डिफरेंट यूनिट होगी आपकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं सो दीज आर दीज आर मेड अप ऑफ मेड ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स जैसे हमने प्रोटीन्स को बोला था बोला था ना हेट्रोपोलीम होते हैं तो ये क्या है ये भी तो हैं। है। अब इसका एग्जाम्पल देखो मस्त एकदम एक एग्जाम्पल एक 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 गर्मा गर्म एग्जाम्पल तुम्हारे लिए पेप्टिडोग्लाइकन कहा होता है बच्चे दिस इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया और कौन सा बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया आर की बैक्टीरिया में पेप्टीडोग नहीं होता वहां पे सूडो होता है ठीक है चलो यस ओके आ जाओ आ जाओ यस ओके नाउ तो सेल वॉल में होगा किसके बैक्टीरिया की ये किससे बना हुआ है मैम आपने बोला कि यहां पे डिफरेंट डिफरेंट हैं जो रिपीट हो रहे हैं तो ये किसी दो डिफरेंट चीजों से बना होगा है ना जरा किससे बना है बनाए दिस इज मेड अप ऑफ नाग एंड नाम दो चीजें होगी बच्चे मतलब यहां पे दो चीजें जो रिपीट हो रही है नाग नाम नाग नाम नाग नाम तो नाग क्या था वो तुमने लिख लिया था पहले ही वो नहीं लिख रही मैं देखो पहले लिख दिया था वो नहीं लिखूंगी अब हम नाम लिख देंगे नाम क्या है एन एसिटाइल एन एसीटाइल एसिड न्यूरामिक एसिड ठीक है तो नाग हम पहले लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ देखो नाग यहां पे लिख दिया था हमने एन एसिटाइल ग्लूकोजमीन तो इधर मैं नहीं लिख रही हूँ चलो लिख देती हूं यार तुम ना नलायकेत फैला देते हो फिर मीन ठीक है जी चलो डन डन यस क्या हो रहा है यहां पे क्या चल रहा है यहां पे इधर क्या चल रहा है चैट्स में क्या चल रहा है वॉट इज हैपनिंग एयर तुम लोग सुधरते नहीं हो क्या हाँ क्या बदतमीजी चल रही है यहाँ पे सुधर जाओ सुधर जाओ ओके okay. बच्चे देखो यहाँ पे तुम पढ़ने आते हो और पढ़ाई की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है एजुकेशन की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू रियली शुड रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स किसी की बेइज्जती करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है सब के रिलीजन में सब के जो भगवान हैं सब बहुत अच्छे हैं उस पर तुम ये मतलब देर इज़ नो यू नो यूज़ ऑफ दिस एजुकेशन फिर कोई फ़ायदा नहीं है डॉक्टर कैसे बनोगे तुम कोई फायदा नहीं है ऐसे डॉक्टर का कोई फायदा नहीं है जो रिस्पेक्ट ही नहीं करता किसी का इस एजुकेशन का इट इज यूजलेस इट इज यूजलेस <laughs> एजुकेशन सिखाता है सबको रिस्पेक्ट करना अगर आप नहीं कर सकते हो बच्चे देन आई आई थिंक आपको कुछ और काम करना चाहिए एजुकेशन तो आपके लिए नहीं है फिर चलो यस आ जाओ अब बात करेंगे हम स्टार्च की स्टार्च के पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है तुमने मे बी लोअर क्लासेज में या इलेवेंथ ट्वेल्थ में आप जब प्रैक्टिकल करते हो तो आपने करा होगा कि जब आलू के ऊपर हम लोग आयोडीन डाल देते हैं डालते ना आयोडीन का मिक्सचर से डालते हैं तो वो बहुत ज्यादा डार्क ब्लू उसका रंग हो जाता है तो इट टर्न्स ब्लैकिश और डार्क ब्लूइश वो टर्न हो जाता है ऐसा क्यों होता है यस yes. यस yes. yes, yes, yes. हाँ ऐसा क्यों होता है बच्चे बिकॉज स्टार्च ना आयोडीन को पकड़ के रख लेता है उसके पास छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं एक तरह से बोला जाए तो पॉकेट्स होते हैं छोटे छोटे कैसे देखो आई एल जस्ट यू नो मेक सिंपल सा स्ट्रक्चर मान लीजिए ये स्टार्च है स्टार्च के पास ना बच्चे हेलिक्स बन जाता है ठीक है उसके पास हेलिक्स बन जाता है और उसके अंदर आयोडीन ना ऐसे ऐसे वो आयोडीन को होल्ड कर लेता है जिसकी वजह से वो ब्लू कलर दे देता है जिसकी वजह से क्या होता है इट गिव्स ब्लू कलर वेर एज सेलुलोज में हम बोलते हैं वहां पे तो कलर नहीं आ रहा मैं क्योंकि बच्चे सेलुलोज के पास ये पॉकेट्स नहीं बनते ये हेलिस नहीं बनते तो वो पकड़ के भी नहीं रख सकता उसको अब उसमें उसकी कोई गलती नहीं है ठीक है अब उसमें उसकी कोई गलती नहीं है यस yes, तो ये ट्रैप कर लेता है लेकिन बेचारा सेलुलोस उसके पास तो ये हेलिक्स बनते नहीं है वो ट्रैप नहीं कर सकता तो विल राइट वॉट विल राइट कि स्टार्च जब आयोडीन के साथ मिलेगा तो डार्क ब्लू कलर देगा रे बाबा क्या देगा डार्क ब्लू कलर देगा क्यों दे रहा है क्यों ऐसा हो रहा है बिकॉज इसके पास आयोडीन को होल्ड करने की जगह है इसके पास हेलिसिस है क्या है इसके पास देर आर हेलिसिस कैन होल्ड आयोडीन लेकिन यही बात अगर मैं सेलुलोज के बारे में बोलने पड़ू सेलुलोज बेचारा कलर नहीं देगा सेलुलोज प्लस आयोडीन नो ब्लू कलर यहां नहीं आया यहां क्यों नहीं आया क्योंकि इसके पास तो हेलिस है ही नहीं सो नो हेलिसिस इट केन नॉट होल्ड आयोडीन नो हेलिसिस सो केन नॉट होल्ड आयोडीन एक और चीज लिखोगे कि जो आपका पेपर है जो हम पढ़ पढ़े ना ये जो कागज होता है कागज ठीक है दैट थिंग एंड ऑल्सो कॉटन के फाइबर्स वॉट आर दे बच्चे दे आर सेलुलोज ओनली सो कॉटन फाइबर जो तुमने कपड़े पहने हुए हैं कॉटन के कॉटन फाइबर्स एंड पेपर ठीक है पेपर जो प्लांट का पल्प होता है विच इज बेसिकली प्लांट पल्प ये क्या है This is cellulose only. ये क्या है किसका एग्जाम्पल है सेलुलोज सेलूलोज क्वेश्चन पूछा जा चुका है दिस दिस इज इज योर योर ये सारे PYQ डिस्कस कर रही हूं मैं ये पूछा जा चुका है कि किस चीज से बना हुआ है ये पूछा जा चुका है बच्चे कि जो तुम्हारा एक्जो स्केलेटन है उसमें क्या होता है दीज आर ऑल पी वाई क्यूज ठीक है हां जी मैं सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ सारी की सारी बायो पढ़ाने वाली हूँ पूरी बायो पिछले साल भी पढ़ाई थी ऑल थर्टी एट चैप्टर्स कंप्लीट प्लेलिस्ट इज ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल यू कैन सी दैट अगर आपको डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा मैम पूरे चैप्टर पढ़ाएंगी या नहीं पढ़ाएंगी तो मैं सारी बायो पढ़ाती हूँ पिछले साल भी पढ़ाई थी बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाई थी तुम देख भी सकते हो सो so, चाहे जोआलॉजी हो चाहे बॉटनी हो चाहे इलेवंथ हो चाहे ट्वेल्थ हो वो मैं ऐसे ही तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आराम से पढ़ाने वाली हूँ ताकि आपको ताकि आपको क्लास ही में सब कुछ याद हो जाए ठीक है और सिर्फ तुम्हें चीज़ें याद कराना मेरा काम नहीं है दैट इज नॉट जस्ट माई जॉब माई जॉब इज़ ऑल्सो टू लेट यू नो लाइफ के लेसन बच्चे मेरी क्लास में आओगे तो आपको जिंदगी के लेसन भी मैं जरूर सिखा के भेजूंगी कि लाइफ में एक होता है सक्सेसफुल होना कि तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया तुमने एम बी बी एस की डिग्री ले ली तुम डॉक्टर बन गए एक होता है कि आप एक अच्छे इंसान बने अगर तुम अच्छे इंसान नहीं बने बच्चे आप अच्छे डॉक्टर कभी नहीं बन सकते हो कभी नहीं बनोगे ये मेरी गारंटी है कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे कभी खुश नहीं रहोगे सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज कि आप आपको पढ़ा रहे हैं हम ठीक है आपको नई नई चीजें सिखा रहे हैं ठीक है लेकिन आपको ये भी सीखना है कि जिंदगी कैसे जीनी है अपने आप को कैसे खुश रखना है और आपके आजू बाजू जो लोग हैं उनको भी कैसे आपको कंफर्टेबल रखना है दैट इज ऑल्सो योर जॉब कि आप ऐसी कोई बात ना बोलें आपके मुंह से ऐसी कोई यू you नो know, शब्द ना निकल जाए कि जो दूसरे को हर्ट कर जाए फालतू में बिना वजह ऐसी बस यूं ही है ना यस ओके चलो तो ये बात हो गई अपनी रिगार्डिंग द ओ अभी कार्बोहाइड्रेट्स खत्म नहीं हो कार्बोहाइड्रेट्स में बड़े सारी चीजें भाई दो तीन क्वेश्चन और हैं जो आ चुके हैं पीवाई वो भी लिखो ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखते हैं चलो बच्चे अभी तो ग्लाइकोजन के बारे में बोला गया है कि राइट राइट एंड जो है वो रिड्यूसिंग है कैसे याद रखोगे आर से रिड्यूसिंग आर से राइट right, ऐसे याद रखना लेफ्ट हैंड जो है एंड oh हैंड नहीं एंड लेफ्ट एंड जो है दैट इज नॉन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग इसका कारण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि ऐसा क्यों होता है जब हमने बॉन्ड्स बनाए थे तब मैंने आपको बताया था अब देखो बच्चे यहां पे एक, एक चीज देखनी है आपको जो ग्लाइकोजन होता है ना उसमें ब्रांचेस दिखती हैं ये देखो ब्रांचेस दिख रही हैं कैन यू सी द ब्रांचेस कैन यू सी द ब्रांचेस और अगर इसको मैं जूम करूं ये देखो ये तो अपना नॉर्मल बॉन्ड बन रहा है ये वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ये वन एंड फोर वाला नॉर्मल जो हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया था वो चल रहा है तो ये एक चेन जो चल रही है ये नॉर्मल वन वन फोर वन फोर वन फोर वाली चल रही है जब ब्रांचिंग होगी तो इस चेन के साथ यहाँ से दूसरी चेन भी जुड़ेगी अब वो चेन किस पोजिशन पर जाके जुड़ने वाली है यहाँ तो जुड़ नहीं सकती फोर्थ तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है तो बच्चे वो यहाँ से जुड़ेगी सिक्स कार्बन एंड द फर्स्ट कार्बन ऑफ द ब्रांच आर गोइंग टू ज्वाइन विद्प ऑफ एल्फा वन सिक्स लिंकेज या फिर तुम इसको एल्फा वन सिक्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोल सकते हो समझ में आया कि ग्लाइकोजन में कौन कौन से बॉन्ड होंगे ग्लाइकोजन में बच्चे दो तरह के बॉन्ड मिलने वाले हैं आपको वन फोर भी मिलेगा इन द स्ट्रेट 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 चेन एंड जहां पे ब्रांचिंग होगी वहां पे आपको वन सिक्स मिलेगा ये वाली बात फटाफट से बता दीजिए किस किस को समझ में आए एकदम बिल्कुल यस yes. हां जी गार्गियंस का जोश दिखाते हुए ये वाली बात बता दी जाए कि मैम हमें समझ में आ चुकी है हां जी हां जी हां जी बच्चे देखो यू हैव टू मेक द पेन दैट आई एम टेकिंग फॉर यू वर्थ इट अभी ना मेरे को बहुत ज्यादा सर्वाइकल का पेन हो रहा है यहाँ पे और सुबह से बहुत ज्यादा हो रहा है लाइक रैंडमली बहुत दिनों के बाद हुआ है मुझे ये रैंडमली शुरू हो गया है व नो आइडिया बट ऑल दिस विल बी वॉ इट इफ यू इफ यू आर एबल टू ग्रास्प एवरी थिंग इफ यू आर एबल टू गिव मी वन हंड्रेड परसेंट फोकस इफ यू आर एबल टू यू नो आंसर द क्वेश्चन दट आई एम आस्किंग हि येस यस ठीक है हाँ जी समझ में आ गया चलो फिर से देख लो जो सीधी 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 चल रही है वहां पे वन फोर वन फोर वन फोर और जैसे ही ब्रांचिंग करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे फोर और वन फोर के साथ तो तुम कर नहीं सकते हो अब तो छठे के साथ कर लो ब्रांचिंग फिर कोई चक्कर नहीं है तो वन ऑफ द चेन जो दूसरा आपका चेन है वो एंड सिक्स ऑफ दिस स्ट्रेट स्ट्रेट चेन जो चल रही थी ये दोनों मिलेंगे और वन सिक्स लिंकेज बना देंगे ठीक है चलो ओके okay जी डन जी डन ओके ठीक है तो ये ये भी मैं आपको इसको मैं इस, इसी में डाल देती हूँ चलो यहाँ से स्क्रीन शॉट लेके ना मैं डाल दूंगी इसी में डाल दूंगी ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा और नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे अनकेडमी टॉपर्स चैनल के टेलीग्राम पे नोट्स मिलेंगे जो कि आपको पिन करा हुआ है पिन नहीं करा बच्चे देखो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप ऐसे क्लिक करेंगे ना तो सबसे पहले आ रहा है कि ज्वाइन आर टेलीग्राम विच इज डॉटम ई अन अकेडमी नीट टॉपर्स उसी पे आपको नोट मिलेंगे अब उसी पे आपको सारी नोटिफिकेशन आएगी तो वो जरूर ज्वाइन कर लो ठीक है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा हाँ. ठीक है जी ओके <coughs> okay. और जिस 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 गंदे बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक कर दो नहीं तो पिटाई निश्चित है ठीक है हाँ बिल्कुल निश्चित है तो ये तो बात हुई ग्लूको ग्लाइकोजन की बच्चे याद रखना कि इसका राइट एंड द राइट एंड राइट एंड इज रिड्यूजिंग एंड द लेफ्ट वन इज नॉन रिड्यूजिंग ये याद रखना मैंने लिखवा भी दिया बट प्लीज यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दिस दिस इज योर पी वाई क्यू देन वी टॉक अबाउट द सुक्रोज सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये बहुत बार क्वेश्चन आया है ठीक है ये क्वेश्चन बार बार आया है बहुत बार आया है तो ये इंपॉर्टेंट इसको मैं डब्बे में रख रही हूं और स्टार लगा रही हूं ठीक है ये पंज तारा कर लो एनु पंज तारा कर लो तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना यह सवाल पंज तारा आएगा ठीक है चलो ए सवाल पंच तारा आएगा तो नो बडी नो बडी कैन फॉरगेट अबाउट दिस ये बहुत बार आया हुआ है है क्वेश्चन बताइए इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स आर नॉन रिड्यूसिंग आंसर हमेशा yes. चलो नेक्स्ट चलते हैं अब तो मैं क्या कराना था मुझे अच्छा पहले एक बार इसकी फटाफट से हम पढ़ लेंगे मैम पॉलीसेक्राइट we'll पे आ जाओ बच्चे द एसिड इनसॉलिबल पैलेट ऑल्सो हैज पॉलीसेकेराइड अच्छा याद है वो वो पुरानी कहानी जो पहले दिन पढ़ी थी हाँ दिखानी पड़ेगी तुम्हें रुको कहानी कहानी सुनो ये mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ये देखो ये रही वो कहानी. में क्या क्या आया था बच्चे प्रोटीन्स आए थे पॉलीसेकेराइड्स आए थे तो यही वाली लाइन तो बोल रहे हैं वो द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट ऑल्सो हैज पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूज पॉलीसेक्राइड दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन वैसे हम ये पहले लिख चुके हैं पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स दे आर थ्रेट लिटरली टन थ्रेड के जैसा होता है लिटरली बोल रहे हैं कि कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकराइडिंगजाम्पल से आपके क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं फॉर एग्जाम्पल सेलो पॉलीमेरिक पॉलीसेड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन मोनोसेकराइड मतलब ये क्या है होमोपोलीमर है ये देखो होमोसेखराइड है या फिर होमोपोलीमर है स्टार्च इज अ वेरियंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट प्लांट टिश्यू में आपको आपको के के लिए लिए मिलता 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 है। है है। है? में बच्चे क्या हमें फ्रक्टोज का पॉलीमर है? है लेकिन कहाँ मिलेगा हमें मोस्टली केस ऑफ प्लांट्स हमें ये मिलता है ओके okay, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसपे भी क्वेश्चन आ चुका है इसपे भी क्वेश्चन आ चुका है <laughs> देखो हम्म hmm. जाओ

सेलुलोज के पास ये नहीं होता ये बेचारा रंग नहीं ला सकता है ओके okay? चलो आ जाओ प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज पेपर जो आपको <coughs> मिलता है जो कागज है जिसकी आपकी बुक होती है किताबें होती है दैट इज वॉट दैट इज बेसिकली सेलुलोज वो क्या सेलुलोज है आपके पास और भी कॉम्प्लेक्स पॉलिसी होते हैं जैसे कि बच्चे योर ग्लूकोजामीन एनएसीटाइल ग्लूकोजामीन नाग जो कहा था नाग कहां था नाग आपको मिलता है एग्जोस्लिटन ऑफ आर्थोपोर्ट्स में ठीक है एंड इट हैज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स तो ये वाला अपना पार्ट खत्म हुआ नाउ वी विल मूव ऑन टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट अब हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करेंगे क्योंकि अब हमने ना बहुत सारी चीजें कर ली है वी नो अबाउट अमीनो एसिड्स वी नो अबाउट प्रोटीन वी नो अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है लिपिड्स भी हमने पढ़ लिया तो अब हमें थोड़ा एक आइडिया हो गया कि बॉडी के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं न्यूक्लिक एसिड बच्चे मैं कल कराऊंगी क्योंकि न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड के लिए थोड़ा उसको एक एक लेक्चर चाहिए अकेले को ठीक है उस अकेले को एक लेक्चर चाहिए उसके साथ आप कोई दूसरी चीज दूसरी चीज एक दो चीज़ें करवा दूंगी वैसे बट उसको हम कल पढ़ेंगे आराम से शांति में आज हम करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट सबसे पहले तो वॉट इज मेटाबोलिज्म मेटाबोलाइट पढ़ने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए बच्चे वॉट इज मेटाबॉलिज्म तुम मुझे बताओगे क्या होता है मेटाबॉलिज्म जी बोलो वॉट इज मेटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चे मेटाबॉलिज्म मैं नहीं बताने वाली तुम बताओगे यू गुना टेल मी यू गुना टेल मी क्या है मेटाबॉलिज्म कितनी जो भी आ, वेरी गुड सहाना वेरी गुड वेरी गुड जितनी रिएक्शन तुम्हारी बॉडी में हो रही हैं वो सब क्या है दे आर ऑल मेटाबॉलिज्म दे आर ऑल मेटाबॉलिज्म सो ऑल द रिएक्शन ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस योर बॉडी वो क्या है मेटाबॉलिज्म हो रहा है अब एक बात बताओ यार अगर तुम्हारी बॉडी में कोई रिएक्शन हो रही है मान लो ये ए चीज थी कोई इसने बी बनाया ठीक है बी ने सी बनाया सी ने डी बनाया तो दिस इज मेटाबॉलिज्म ठीक है ना ये ये metabolism ही हो रहा है, एक चीज थी उससे बी बना फिर बी से सी बना फिर सी से डी बन गया ये क्या है रिएक्शन ही तो चल रही है और इन रिएक्शन को कौन कैटेलाइज करता है एंजाइम जो कि हम परसों पढ़ेंगे, ठीक है अब बच्चे जो भी मॉलिक्यूल्स आपके मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं सो ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन मेटाबॉलिज्म आर मेटाबोलाइट्स ठीक है क्या है मेटाबोलाइट्स हैं करेक्ट मेटाबॉलिज्म दो तरह का हो सकता है कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म आज हम वो नहीं करेंगे वो मैं कल तुम्हें बताऊंगी जिसमें हम डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी पढ़ेंगे जिसमें हम यू नो मेटाबॉलिज्म को थोड़ा और भी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं वो कल करेंगे आज के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं वो मेटाबॉलिज्म है और उन केमिकल रिएक्शन में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन है मेटाबोलाइट्स हैं ठीक है वो कौन है मेटाबोलाइट्स हैं डन सो so, ये क्या है वॉट इज ए ए इज अ मेटाबोलाइट बी बी इज अ मेटाबोलाइट सी इज अ मेटाबोलाइट डी इज अ मेटाबोलाइट सब मेटाबोलाइट है ये सब क्या है बच्चे दे आर ऑल ठीक है और मेटाबोलाइट्स दो तरह के होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दो तरह के होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी अब इसका हम टेबल बना लेंगे इसको याद करने के लिए कि वॉट आर द डिफ्रेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट ठीक है आ जाओ लिखते हैं सो so, इधर लिख देंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट इधर लिख देंगे बच्चे सेकेंडरी ठीक है इधर लिख देंगे सेकेंडरी ओके चल <coughs> पांच लेक्चर्स होंगे बिल्कुल <coughs> बायो एक बड़ा है। यार और अगर तुम्हें ऐसे ही चाहिए तो मैं ऑलरेडी वन शॉट मेरे पड़े हुए वो देख लो जाके रिकॉर्डेड बट बच्चे इस टाइम पे डिटेल सेशन करने आपको जो बच्चा डिटेल नहीं कर रहा है ना उसकी डिटेल एन या जो भी तुम्हारा एजेंसी होगा वो खारिज कर देगा बोलेगा इसकी डिटेल हमें नहीं चाहिए इस बच्चे ने डिटेल में कुछ नहीं करा इसकी डिटेल हमें नहीं चाहिए <laughs> ठीक है ना हाँ चलो प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है प्राइमरी चीज़ जो भी होती है उसको हम बोलते हैं ना मेन कोई भी चीज़ मेन होगी उसको हम बोलेंगे प्राइमरी है ना तो प्राइमरी मेटाबोलाइट वो है जिसके बिना आपका जीना पॉसिबल ही नहीं है ऐसी चीज ऐसा मेटाबोलाइट विच इज नेसेसरी फॉर योर लाइफ जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है मतलब अगर वो नहीं होगा ना तो तुम मर जाओगे खत्म डन डस्टेड बाय बाय चलो, तो हम क्या लिखेंगे वी विल राइट कि अच्छा और इनके फंक्शंस भी हमें पता होते हैं तो यूल राइट कि हाँ इनके फंक्शंस हमें पता और ये है ये बड़े इंपॉर्टेंट है identifiable functions माने हमें इनके फंक्शंस पता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बच्चे हमें फंक्शन नहीं पता तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते हैं किधर बनते हैं नॉर्मली प्लांट्स में बनते हैं फंगाई में बनते हैं उधर ज्यादा बनते हैं <laughs> ठीक है ना और हमें उनके फंक्शन ज्यादा पता नहीं है सो so, इनके फंक्शन हमें ज्यादातर नहीं पता और इनका कोई ज्यादा रोल नहीं होता लाइक like अगर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बन रहा है ना अगर वो मैंने प्लांट के अंदर से हटा दिया निकाल दिया मरेगा नहीं प्लांट तुम्हारा उसकी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बट दीज दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस तो बड़े इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है ठीक है और एग्जाम्पल क्या होगा भेज दूंगी भेज दूंगी यार पढ़ ले पहले एग्जाम्पल्स क्या होंगे एग्जांपल्स वी हैव शुगर अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स, ये सब मेन है मेजर ठीक है लिपिड्स जो तुमने अभी तक पढ़ा है ना सब न्यूक्लिक एसिड जो कि तुम कल पढ़ लोगे कोई बात नहीं कार्बोहाइड्रेट्स ये सब बच्चे ठीक है नाइट्रोजन बेसिस इंपॉर्टेंट इनके बिना तुम नहीं रह सकते हो ये नेसेसरी है तुम्हारे जीवन के लिए ये नहीं है तो तुम गए खत्म हो तुम ठीक है खत्म हो तुम अच्छा अब अगर मैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करूं तो ये इनका कोई रोल नहीं होता मेटाबॉलिज्म में ज्यादा ठीक है सो दे आर नॉट एंड हैव डायरेक्ट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नो

और ये जो सेकेंडरी मेटा मेटाबोलाइट्स मिलते ये हैं ये यूजफुल हैं किसके लिए इंसान के लिए यूजफुल टू ह्यूमंस तुम्हें पता ही है हम हर जगह पहुंच जाते हैं अब हम क्या हर जगह पहुंच जाते हैं तुम्हारी जो मैम है गार्गी मैम है उन्होंने भी फंगस पे मैंने फंगस पे रिसर्च क्यों करी थी बिकॉज बच्चे फंगस के पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भर भर के होते हैं अच्छा मुझे बताओ पहला जो एंटीबायोटिक आपका पहला जो डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था क्या नाम था उसका फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या नाम था एक सेकंड रुको एक सेकंड। हेलो और मेरा ना वो सेशन चल रहा है आप ये बाहर अच्छा एक लड़की खत्म होता है तो मैं आती हूँ पांच मिनट पांच मिनट लगता हाँ क्या था पेनिसिलिन था पेनिसिलिन था पेनिसिलिन था पेनिसिलिन क्या था वो भी तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट ही था तो इसीलिए तो मैंने भी फंगस के ऊपर रिसर्च करी थी कि भी नई फंगस ढूंढेंगे और मैंने ढूंढी भी तीन ढूंढी नई फंगस फिर मैंने सोचा था उसके बाद फिर से रिसर्च करूंगी देन बस कुछ चीज़ें हुई कि मैंने रिसर्च छोड़ दी ठीक है उसके बारे में भी कभी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में बात करेंगे चलो ओके क्योंकि बच्चे फंगाइ आर रिच इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अब ये हमने देख लिया कि भाई ये फंगस और प्लांट्स में तो बहुत सारे सेकेंडरी से भर भर के हैं तो हम इन्हें यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल रबर ठीक है रबर हो गया कुछ ड्रग्स हम देखेंगे मैं अभी आपके साथ एक शेयर करने वाली हूँ सम स्पाइसेस एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ठीक है रेजिन्स हैं बच्चे टेनिन्स हैं सम पिगमेंट्स हैं ऑल्स हैं ये सब एग्जाम्पल हैं आपके किसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ये टेबल है जो एक एनसीआरटी में दिया हुआ है अब इसको देख लो ये हमें याद करना है जैसे कि पिगमेंट्स ये सब क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं पिगमेंट्स पिगमेंट एसेंशियल ऑयल टॉक्सिन डॉग्स पॉलीमेरिक सब्सटेंस ये किस में मिल रहे हैं हमें प्लांट्स के ये सारे एग्जाम्पल प्लांट्स के हैं फंगस का एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिया ठीक है फंगस का एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिया क्या था पेनिसिलिन था राइट right, अब प्लांट्स के भी देख लो

पेन पेन को कम करने में हेल्प करेंगे ठीक है जी ये आपका दर्द दूर कर सकते हैं मॉर्फिन कोडीन टर्पिन पे आ जाओ मोनो टर्पीन एंड डाई टर्पीन्स किस तरह से एक्ट करेंगे एंटी की तरह काम करते हैं लेमन ग्रास क्या है लेमन ग्रास ऑयल है देखो तुम अरोमा थेरेपी में काम आता है हम अपने घर पे भी तो वो आ, क्या होता है ऑयल होता है ऑयल को करते हैं ना बर्न और फिर बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है तो दैट इज एरोमा थेरेपी दे ऑलसो हैव एंटी तो इधर भी एंटी इधर भी अब टॉक्सिन जैसे कि एबरिन एंड रिसिन रिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसिन आपको मिलता है कैस्टर सीड से रिसिन यूज टू क्योर कैंसर कैंसर को क्योर करने में ये यूज करा गया है सेम इज अ फंक्शन ऑफ कॉन् कॉन का भी यही फंक्शन है दिस इज ऑल्सो एंटी कैंसरस बच्चे विंड ब्लास्टिंग इज ऑल्सो एंटी कैंसरस करक्यूमिन किस लिए यूज़ होता है एंटी इन्फ्लामेटरी है हल्दी लगा देते हैं ना हल्दी वाला दूध भी पीते हैं उसके अंदर क्या है उसके अंदर भी तो करक्यूमिन ही है उससे क्या होता है बोलते हैं ना इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी देन यू हैव रबर गम्स एंड सेलुलोज ये रबर और गम का क्या यूज है ये तो तुम्हें भी पता होगा है ना यस yes, ये तो तुम्हें भी पता होगा तो ये पूरा का पूरा जो टेबल है वो एनसीआरटी में दिया हुआ है आपको इनकी यूज नहीं, यूज नहीं करना है यूज दिए नहीं एनसीआरटी में आपको सिर्फ याद करना है पे मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ जाता है डन ठीक है ठीक है ना तो ये बात हो गई अपनी <coughs> ये बात हो गई अपनी सेकेंडरी मेटाबोलाइट की अब ये है तुम्हारा होमवर्क एंड एक और तुम्हारा होमवर्क है कि आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट की ये छोटा सा ही पैराग्राफ है इसकी रीडिंग करनी है कुछ नहीं है सब कुछ बता दिया मैंने तुम्हें सब कुछ मैंने बता दिया सो व्हाट यू विल डू क्वेश्चन करेंगे एन रीडिंग करेंगे ठीक है ना ये सब करना है तुम्हें और क्वेश्चन भी करना है होमवर्क वाला क्वेश्चन भी करना है उसको पॉज करके देखना कि उसका आंसर क्या रहेगा ये बताने का है तुम्हें ठीक है हाँ ओके okay जी मैम आप अरे मैं कहीं नहीं जा रही हूँ कोई बेचारे बेल बजा रहे हैं वेट कर रहे हैं ठीक <coughs> है तो आज के लिए ये हो गया कल अपन करेंगे न्यूक्लिक एसिड एंड डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी इक्विलिब्रियम वगैरह वाला जो टॉपिक है ना वो भी खत्म कर लेंगे परसों हम एंजाइम्स खत्म कर लेंगे यस yes, ठीक है चलो ओके एंड कमेंट जरूर करना है भाई तुम्हारे कमेंट से मेरा दर्द दूर होएगा देखो बता रही हूँ तुम्हें ठीक है अगर तुम दिल दे के जाओगे तो और भी ज्यादा दर्द कम हो जाएगा इतना तो बनता है ना इतना तो बनता है बताना मुझे कैसा रहा सेशन और कैसा रहा आज का टॉपिक समझ में आया नहीं आया तो भी बताना ठीक है चलो बाय टेक जय साइनिंग ऑफ